Hi guys, welcome back to our channel Unto the Last. And yes, I am back with another movie review today. Okay guys, welcome to a movie review. मैं पहला बार movie review कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. मैं सुमीना का साथ कर रहा हूँ, तो जो सुमीना का जो portion है आप लोगों को पता होगा. Sure, how many of you have already watched the movie, but you must have heard of the name Napoleon Bonaparte. And yes, I watched Napoleon Bonaparte today. Aaj ye India mein all over release hui hai 24th November ko. It's 2 hours 38 minutes long picture and very very excellently directed by Ridley Scott. And jaise ki Ridley Scott ka direction ka style hum sab jante hi hain, if you've seen his other movies also, The House of Gucci jaise ki one of them to name. And जैसे ही इज ऑलवेज पुट अक्रॉस, ही इज ऑलवेज फोकस्ड मोर ऑन आर्टिस्टिक फैक्ट एंड हिस्ट्री पीरियड ड्रामास में भी उन्होंने कैसे आर्टिस्टिक चीजों को बहुत अच्छे से दिखाया है. ये उनका स्टाइल रहा ही है, जो उनकी मूवीज देखते हैं उन्हें पता ही होगा. सो यस, और डायरेक्शन के बारे में मान लूंगा, तो जो इतना सारा हिस्टोरिकल मूवीज जो किया है, इसने जो डायरेक्शन किया है वो एक अलग तरीके से. आपको तो पता ही है आजकल VFX वगैरह जो सीन्स का इतना यूज करता है, जनरली जो शूटिंग से मतलब इतना सारा लोगों को मिलाकर शूटिंग नहीं करता है. तो जो 85 ईयर ओल्ड हमारा जो डायरेक्टर है, जिसने जो दिखा दिया है इतना कमाल का ऐसा मूवी इस 2023 में भी बना सकते हैं, वो कमाल का बात है. दिस नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत सारी बैटल्स में उनका नाम लिया जाता है. दिस मैन हु फॉट सम 61 गुड बैटल्स एंड बैटल ऑफ वाटरलू, जो उनकी लास्ट बैटल थी, जो कि 1815 में उन्होंने फाइट की थी, जिसमें वो हार गए. एंड जो रशिया को वो इन्वेड करने गए थे, टू नेम अ फ्यू प्रोमिनेंट बैटल्स, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनका क्या रोल रहा है, ये सब हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं और सुना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में. बट थीम अगर बताऊंगा तो थीम क्या है, मतलब हिस्टोरिकल मूवी है तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो अपना तरीके से बदलता नहीं, तो पूरा थीम तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है. इफ आई टॉक ऑफ द प्लॉट ऑफ द मूवी, तो हिस्टोरिकल फिगर है तो मोर और लेस वैसा ही होगा. बट एक्चुअली मूवी रिडली स्कॉट के स्टाइल में है, तो मूवी इज अबाउट द पर्सन, द कैरेक्टर, द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन नेपोलियन बोनापार्ट. एंड ऑफकोर्स हिस्टोरिकल चीज़ें तो दिखाई ही गई हैं कि कैसे कैसे इन्वेजन हुआ, कैसे ही लॉस्ट, ही वन, ही बिकेम द एम्परर, how he got married and a lot of things, लेकिन कैसे उनकी पर्सनालिटी हर सिचुएशन में दिखाई गई है, उसके अराउंड प्लॉट था मूवी का, एज पर व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड. नेपोलियन का बचपन का नहीं दिखा दिया है, जब मतलब 1785 का बाद जो नेपोलियन आता है, जब उसको पहला बार ब्रिगेडियर सब कुछ बनाता है, तो उससे शुरू होता है, फिर अलग अलग चीज में चले जाता है, वो कैसा अपना स्टेप, फिर जनरल बन गया है, फिर तीन काउंसिल का एक मेंबर बन गया है, फिर पूरा उसको मतलब एक तरीके से रिपब्लिक आ गया है, सेक्युलरिज्म आ गया है, एक मोनार्की से एक्चुअली ट्रांजिशन था पूरा दुनिया में उस समय. जो नेपोलियन आने के बाद वो ट्रांजिशन में वो कैसा पहला एक मतलब डेमोक्रेसी का तरीके से आकर फिर वो अपने आप में भी किंग बन जाता है और एम्परर बन जाता है, फिर उसका फॉलो करना पड़ता है, और फिर भी जो डेमोक्रेसी आने के बाद हर लोगों को ओपिनियन मानना पड़ता है, तीन बार वो जनहित में चले जाता है, फिर भी वो मेंटेन करता है, फिर अपना वाइफ का ऊपर का प्यार, मतलब जो वाइफ को वो कितना नीड करते हैं, हर इंसान को कोई ना कोई जगह से हमारा वो नीड है, वो बात करना है, और कितना वो फ्रेंडशिप है, वो सब कुछ मतलब वो उसमें है. डाइवोर्स करने के बाद भी वो अच्छे से उससे मेंटेन करते हैं अपना रिलेशनशिप वगैरह, तो ये सब कुछ मुझको काफी अच्छा लगा था. एंड प्रोटैगनिस्ट नेपोलियन बोनापार्ट का रोल किसने किया है, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स जोएक्विन फीनिक्स, जो कि ऑलरेडी काफी डार्क और पीरियड ड्रामास करने के लिए पॉपुलर है, जोकर बीइंग वन ऑफ हिज क्लासिक्स. सो यस, एंड
तो जॉकविन फीनिक्स ने मार्वेलस काम किया है पिक्चर के अंदर. हिज एक्टिंग हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. मतलब उन्होंने अपने स्किल्स को इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया है. एक एक इमोशन आप फील कर रहे हो. देर वॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन ही वॉज टायर्ड फटीग्ड. I could feel that fatigue with him. He was so very well acting in the picture. और उन्हीं के साथ जो उनकी वाइफ का रोल वनीसा करवी ने भी प्ले किया है. सो शी इज़ ऑल्सो डन अ गुड जॉब. बट टू मी द मूवी वॉज टोटली अबाउट जॉकविन, टोटली अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट. सो बोनापार्ट. सो बेसिकली और एक्टिंग, अगर एक्टिंग में मान लो तो ये मतलब आपको तो पता ही है जोकर किसने प्ले किया है. तो उसका इतना जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस है इसमें. उसने एक एक इमोशंस जो प्ले किया है हमको भी लगेगा ओके जब वो डिप्रेस होता है हम डिप्रेस में आ जाता है. वो जब वो अच्छे से चले जाते हैं हमको अच्छा महसूस होता है. और फिर जब वो पावर दिखाने का कोशिश करते हैं तो हमको लगता है. और जब वो ईगो का लेकर आता है, उसका ईगो हर्ट होता है तो हमारा भी एक ईगो हर्ट हो गया है ऐसा लगेगा. तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. मूवी में दिखाया गया है कि कैसे दिस ब्रिगेडियर जनरल नेपोलियन बोनापार्ट कैसे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फ्रेंच. एंड देन कैसे पावर की भूख उनको कैसे वॉर बाय वॉर टेकअप करने के लिए उनको लेकर जाती रहती है. बट थ्रू आउट ऑल दिस उनकी एक वो साइड भी है जो वल्नरेबल भी होगी. एज अ फाइटर, एज अ मिलिट्री पर्सन वो काफ़ी करेजियस हैं. इतनी वॉर्स टेकअप कर रहे हैं, इतना ब्लडशेड देख रहे हैं अपने आसपास, बट उनकी वल्नरेबल साइड को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है. हिज लव फॉर आर्टिफैक्ट्स दिखाया गया है कहीं कहीं. कैसे उनकी जो वाइफ एंड हिज ट्रू लव अदर देन फ्रांस, जो उनका मोहब्बत उनकी वाइफ है जोसेफीन, कैसे थ्रू आउट मूवी दिखाया गया है कि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन उनसे कभी भी स्टॉप नहीं किया. कहीं भी किसी भी वॉर में किसी भी सिचुएशन में ही इज ऑलवेज राइटिंग टू हर कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, विच वॉज वेरी नाइसली शोन. कि ऐसा होता ही है ना, हम सब घर आते हैं जब अपने घर वालों के पास. हम ऑफिस में कितने भी बड़े फाइटर हों, कितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हों, कुछ भी हो, घर आके मन करता है ना कि बस कोई पैम्पर कर दे, समथिंग अराउंड दैट. सो बेसिकली उनकी वल्नरेबल साइड. एंड ये भी दिखाया है कि कैसे इतना टॉप नॉच एम्परर होने के बाद भी, एम्परर ऑफ फ्रांस होने के बाद भी, he was always taken by the words of the people. अगर लोगों ने बोला कि आपकी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, so he would divorce her. So he divorced her also after 15 years when they could not bear a child together. And so कैसे वो लोगों की बातों में आ रहे हैं कि French people को आपका वारिस चाहिए, they need a hire from you. And your wife is incapable of doing that. So he divorces her. So आप सोचिए जो इतने बड़े बड़े decisions ले रहे हैं, economy को लेकर, लोगों को लेकर, पूरा country को rule कर रहे हैं, इतने coalitions करे हैं, इतने allies बनाए हैं, उसके बावजूद वो लोगों की बातों में आके divorce करते हैं अपनी मोहब्बत को. But still he doesn't stop going back to her, does not stop writing to her. And also to me there was this one aspect also कि कैसे after they divorced उनको लगता है नेपोलियन को कि हिज लेफ्ट हिज वाइफ, तो वो कैसे रह रही होंगी, परेशान होंगी, कुछ ना कुछ होगा. बट एक्चुअली बर्बाद नेपोलियन हो रहे थे. उसके बाद ही उनका डाउनफॉल दिखता है, कैसे वो रशिया इन्वेड करते हैं एंड ही लूजेस हिज पेशेंस. इतने सारे लोगों को लेकर जाते हैं, बट जैसे कि जिन्होंने पढ़ा है रशियन इन्वेजन के बारे में नेपोलियन की, कि कैसे वहां पे कुछ बचता ही नहीं उनके लिए खाने के लिए, फेमीन थर्स हंगर यही सब उनको मिलता है. And they lose so many human resources there, manpower there. और उसके बाद उनका downfall start होता है. So actually में उन्होंने एक scene में आके जोसेफीन को कहा था कि तुम उदास या दुखी मत होना अलग होने के बाद. I'll still write to you, you'll still be my. But actually pain में ये थे. जोसेफीन भी थी, पर जोसेफीन बर्बाद नहीं हो रही थी, ये हो रहे थे. मतलब आप लोग सभी लोग जो हिस्ट्री तो पढ़ा होगा मुझको लगता है, नहीं तो फिर भी मैं एक कंसाइज में बताता हूँ. जो एक ह्यूमन होता है जो इस दुनिया में आकर जो करता है, हमको लगता है अलेक्सेंडर बड़ा है, सीसर बड़ा है, सब कुछ है, वो लोग बहुत मैस्कुलिन पावर से आ गया है, वो कभी रोता नहीं है, सब कुछ है. पर इसमें ये दिखा दिया है ओके हर लोग इतना बड़ा भी होगा, वो लोगों को भी, वो लोग भी रोता है,
वो लोग भी अपना इमोशंस फील करते हैं, वो लोगों को भी नीड होता है कोई ना कोई को, शायद वो मदर होगा, वाइफ होगा, किसी का वो नीड भी होता है और वो अपना मतलब वो हमको लगता है डिक्टेटर सब कुछ अपना तरीके से ही सब कुछ करता है, नहीं वो लोग भी दूसरा लोगों को सुनता है, कभी कभी वो लोगों को भी डिप्लोमेसी करता है, वो लोगों को भी बात करना पड़ता है, तो काफी चीज का बारे में इसमें बता दिया है। सो दिस आई पर्टिकुलरली रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड कि मेन हैव दिस टेंडेंसी आई थिंक इन माय ओपिनियन कि उनको लगता है कि वुमेन वुड बी शैटर्ड, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वुमेन आर ऑलवेज हेडस्ट्रॉन्ग एज आई सी देम, एज आई सी माई सेल्फ एंड हाउ द वुमन शी हेल्ड हर सेल्फ एंड हाउ द मैन कुडंट होल्ड हिमसेल्फ, सो ऑल दोज इमोशंस काफी अच्छे से दिखाए हैं, कैसे वो पैनिक करते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, उनकी वल्नरेबिलिटी को बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। तो और फिर मेरा ओपिनियन बताऊंगा, हर लोगों को ये देखना चाहिए एक तरीके से हिस्ट्री में जो चला है उसका बारे में, नेपोलियन के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज वगैरह, फिर उसने अपना हिस्ट्री को भी बदलने का कोशिश किया है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं नेपोलियन कौन है, क्या किया है, ये सब हुई का बारे में। एंड आई विल अगेन टॉक अबाउट रिडली स्कॉट कि उनका डायरेक्शन स्टाइल इतना बढ़िया था फॉर हिज एज, फॉर अ मैन 85 इयर्स, ही इज पुल्ड ऑफ दिस लॉन्ग मूवी 2 hours 38 मिनट्स की पिक्चर सो वेरी वेल एंड यस आई थिंक द मूवी इज फुली एंगेजिंग, मतलब आपको नींद नहीं आएगी बिकॉज बैटल हो रही है, पर्सनल वॉर चल रहा है, उनके अंदर भी एक जंग चल रही है, बाहर भी एक जंग चल रही है, सो मूवी इज वेरी एंगेजिंग एंड इट्स नॉट अ लव स्टोरी दैट एंटरटेन्स यू, इट्स अ लव स्टोरी दैट प्रोवोक्स योर थॉट प्रोसेस, वो आपको सोचने में मजबूर करती है कि कैसी मोहब्बत है, कितना इंपॉर्टेंस है एक दूसरे की लाइफ में, कम्युनिकेशन द ओनली respite and hope he has, whether he was in Egypt, whether he was invading Russia, wherever he is the communication, the letter that he writes to his wife, his love, and the letter he receives back from. So the love story here per se is not entertaining. It's very thought provoking as far as I could see it. So और फिर sound effects वगैरह का बात करूँगा, तो इसका जो background music है बहुत सारा, जैसा हमारा Bollywood वगैरह में जो इतना सारा मिक्स कर नहीं डालते हैं, बहुत अच्छा, बहुत छोटा तरीके से जो साउंड है बहुत एंगेजिंग रखता है, 3 hours का मूवी में भी इतना एंगेजिंग रखता है, तो मैं बताता हूँ आप सभी लोग जाकर मिल लीजिए और देख लीजिए और आप अच्छे तरीके से ये आनंद ले सकते हैं। मैं तो 3 घंटे मेरा पूरा अटेंशन इस मूवी में था, तो मैं भी चाहता हूँ आप सभी लोग इसको जाकर देखें, पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट मसाला ये सब कुछ सोचकर चलूंगा तो वो निराश होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल मूवी है। तो स्टे आई वुड रियली से कि इफ यू रियली वांट टू चेरिश योर वीकेंड यू मस्ट गो एंड वॉच दिस पिक्चर, इट्स अ वेरी वेरी नाइस मूवी फॉर पीपल हु नो हिस्ट्री, for people who are really up to some classic roles, some classic acting skills, the movie is for them. So one fine picture done by Joaquin Phoenix once again. So yes, must go and watch the picture and yes, stay tuned for more such movie reviews. Until the last.